कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नजर आया कि जुलूस के दौरान सड़क पर काफी भीड़ है, कई पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है। इस बीच लोग कथित तौर पर ये नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताख नबी की सजा सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये जो हमें वीडियो जो वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने नारे लगाए हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इमरान खान हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई करेंगे, क्या किसी की पहचान हो सकी या फिर वायरल वीडियो की अभी जाँच यहाँ पर क्या पूरी हो सकी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, और मैं आपको बता दूं कि कल देर रात का ये जो पूरा वीडियो सामने आया है, कल जो है ताजियों के विसर्जन के दौरान जो है एक वर्ग विशेष के द्वारा जो है नारेबाजी की गई थी, उसमें साफ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग भीड़ में इकट्ठा है और ताजिए उनके पीछे है और विसर्जन के लिए जा रहा है। उसी दौरान ये जो है नारे लगाए गए हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर जो है तन से जुदा, इस प्रकार के जो है नारे लगाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो वहां पे सीसीटीवी फुटेज थे और जो पुलिस के जो कैमरामैन चल रहे थे उनके आधार पर जो है पुलिस आरोपियों को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया भी है। तो अब इस पूरे मामले में जो है लगातार जो है पुलिस अब एक्शन में आ गई है और पुलिस ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई करने की बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जब से नकुल शर्मा का जो है वो बयान आया था उसके बाद से लगातार जो है मध्य प्रदेश में भी कई लोगों को जो है जान से मारने की धमकी मिली थी नकुल शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। उसके बाद से अब जिस प्रकार से ये जो एक मामला सामने आया है कि जिस तरीके से जो नारेबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि लगातार जो है लोगों को धमकी मिल रही थी, उसके बाद अब जो है लोग इस मामले में खुल के सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, इस मामले में खुलकर सामने आने। एक चीज और इमरान, यहाँ पर कि पुलिस ने कुछ लोगों जिनको गिरफ्तार किया, क्या पुलिस इस बात की पुष्टि कर पा रही है कि वाकई ये नारे लगे थे यहाँ पर, या फिर अभी भी वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले की पुलिस जो है जांच की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ वीडियो हमें भी प्राप्त हुए हैं, तो पुलिस अब सारे एंगल को जो है बारीकी से जांच की बात कर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो है साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो है इस तरह के जो है विवादित नाले लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुटी हुई है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।